देखिए, ये इंसानियत की कहाँ से आई हैं? मैं डेरा इस्माइल खान से आई हूँ और फजल रहमान के ही शहर से आई हूँ। मैं उसकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन अब जो उन्होंने अल्फाज बोले हैं तो वो हमें इतना हर्ट किया है कि हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम उन्हें समझाएं, उनके खिलाफ निकलें कि आपकी ज़बान से ये अल्फाज निकले तो निकले कैसे। क्योंकि पूरे मुल्क की जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, बाइज़्ज़त ख़वातीन, वो उनकी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, और मेरे तो उनसे घरेलू तल्लुकात हैं। हम तो हर वक्त आते जाते हैं, हालांकि मैं तहरीके इंसाफ की हूँ, लेकिन ये नहीं है। ऐसा कहना जो है, खुदा जानता है कि हमारे होश उड़ गए जब हमने ये सुना। पहले भी उन्होंने तितलियाँ कहा था, पैर गर्म करने का कहा था, हम बर्दाश्त कर गए। तो मेरे बेटे, मेरे भाई, अगर तू डीआई खान का है, क्या डीआई खान की वहाँ औरतें नहीं हैं? ठीक है, तो कम से कम अपने गांव, अपने औरतों की, और अगर किसी की नहीं कर सकता तो अपने गांव की, अपने शहर की औरतों का तो ख्याल करता। ये लफ्ज़ तो इसे किसने निकलवाए हैं? क्या आप होश में थे? आप तो इतने अच्छे आलिम हैं, क्या आप होश में थे? हम तो आपको डीजल भी नहीं कहते, हम कहते हैं रहनुमाओं का काम है, बड़े कहते हैं तो हम अदब करते हैं। लेकिन ये बात जो है हमें बिल्कुल नागवारा गुजरी है, और मैं सच कह रही हूँ, एक माँ की ऐसी ऐसे, एक बहन की ऐसी ऐसे कि आप माफ़ी मांगो, आप माफ़, अल्लाह माफ़ करने वाला है, आप माफ़ी मांगो, ख़वातीन से माफ़ी मांगो, क्योंकि ख़वातीन बहुत हर्ट हुए हैं। कोई खातून, कोई अल्लाह का वली जो हो, वो भी खातून के बारे में नहीं कह देता कि उसके दिल में क्या है। आपने तो यूं कहा है जैसे बरमला, जैसे आपने कहा था मुझे आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में मिले। ये बातें नहीं करते हैं, आपका एक इमेज है। मैं हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सैकड़ों ख़वातीन बाहर निकली हैं और आज़म स्वाती की राय के लिए भी बाहर निकली हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बताएं, जो फजल रहमान साहब ने ख़वातीन के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहती हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है, अगर वो हमें नज़र आए तो आप देखें कि हम उनको सड़कों पर घसीटें। इधर इतना शख्स है, उसके अल्फाज से आप अंदाज़ा लगाएं कि यही चाहती हैं कि इमरान खान इनके पास आए, चाहे जो मर्जी करे। और ये अपनी माएँ देने के लिए, इसका मतलब है ये अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बहू, अपनी बेटी लोगों को देता होगा इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए, क्योंकि सीढ़ियों में तो ये चढ़ा है। हम तो सिर्फ नारे लगाने वाले हैं, फ़ायदे तो इससे लिए हैं, तो फिर ये बाप दादे से यही काम होगा, साफ पता है। नहीं, ये जो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, पहले कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन जलसों में आती हैं उन्हें तितलियाँ कहा जाता था, इतना बेशर्म है। हम तितलियाँ हैं? सारी ब्याह या औरत है, ढके हुए कपड़े हैं, ढका हुआ सारा है, वो जो डड्डू चार्जर जैसी, मतलब उनको तो कुछ नहीं कहता, उनकी तो चमचागिरियाँ करता है, क्योंकि वो डड्डू चार्जर हैं। हुकूमत ने, पीपल पार्टी ने, किसी ने इसकी तरदीद नहीं की। आप देख लें, अगर बोल रहे हो, है ही बेशरम, सारे चोर हैं, खाने के हैं, खाने को हड्डी दिखाई है तो आके बैठ गए तो हड्डी खानी। आज़म स्वाती को जो दोबारा गिरफ्तार किया गया है, पहले जो उनके साथ किया गया वो सब ने देखा, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहती हूँ जुल्म की इंतहा है, ये हम लोग आज़ाद शहरी नहीं है, क्या ये पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का नहीं है? ये सिर्फ जुडिशरी और ये इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियन और बिजनेस टाइकून, बस इनका है, चोरों डाकुओं डकैतों का, और किसी का नहीं है। जो बेचारे सिर्फ टैक्स देते हैं और हया शर्म से रूखी सूखी खा के सो जाते हैं, उनका मुल्क नहीं है, इनका ही अकेले मुल्क है कि जो मर्जी करें। उसने जो सवाल पूछे हैं 100% सही पूछे हैं, उनका जवाब दें ना। अगर किसी के पास जवाब होता तो वो जवाब देता बजाय पकड़ने के, वो जवाब दे दे ना कि ये चीज़ें ये हैं, तुमने गलत कहा है। क्या कहेंगी आप, एक दफ़ा उनकी वीडियो बनाई गई जो उन्होंने कहा, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को नंगी वीडियो, उनकी मियाँ बीवी की, ये किसने इजाज़त दी है? हम मुसलमान हैं कहने को, क्या हमारे पास मुसलमानों वाली कोई हरकत है? सिर्फ ये मुझे बताएं, क्या हमारे वो इखलाक हैं? क्या हमारी आंखों में वो शर्म, वो हया है? कौन सी यहाँ तितलियाँ हैं? सारी ढकी हुई औरतें हैं शर्म हया वाली घरों से, उसकी तितलियाँ होंगी, खबीस इंसान डीजल की। आप आज़म स्वाती के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी रिहाई के बारे में? चाहती हूँ कि भाई उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए, ना सिर्फ रिहा किया जाए, उनके सवालों के जवाब दिए जाएं और उनसे माफ़ी मांगी जाए और अरशद शरीफ के कातलों को पकड़ा जाए।
आजम सवादी के बेटे कह रहे हैं कि उनके वालिद की जान को खतरा है, मार दिया जाएगा। सही है, मार दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिसको बातें की हैं वो कौन था, वो है, तो फिर उससे उसको तो खतरा होगा, क्योंकि वो तो कुरान मजीद से भी अफजल है, नाउज़ बिल्ला, उसको नहीं कुछ कहना चाहिए, नहीं तो सही है ना, उससे भी अफजल है, अल्लाह रहम करे, वो इतना आसमान पे चढ़ा दिया है, उसको कोई कुछ कहे ही ना, नाउज़ बिल्ला, ये हिसाब बन गया। जैसे मरियम ने कहा है ना, हजूर पाक को वही आती थी, इसी तरह मैं, मुझे अल्लाह ने चुन लिया, अब मेरे पर वही आती, ये तो कुछ भी कह देते हैं।